तमाम हरियाणा की लड़कियां खेलों के अंदर आए दिन मेडल जीत रही है। कल भी बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, लेकिन उसी समय पे यहाँ के जो खेल मंत्री हैं या फेडरेशंस के अध्यक्ष हैं वो यौन हिंसा में संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये जो सरकार है बीजेपी की, चाहे वो हरियाणा राज्य के अंदर है या केंद्र के अंदर है, वो बिल्कुल महिला और गरीब के खिलाफ है। इस तरह के मंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारी हरियाणा की बेटियों के, जिन्हें देश में नाम रोशन किया, उनको कलंक लगाते हैं। ऐसे मंत्रियों को हम यहाँ बिल्कुल देखना नहीं चाहते। नमस्कार, दवार में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी अतुल होवाल इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। जंतर मंतर पर ये हरियाणा से महिलाएं आई हैं प्रदर्शन करने, जो वहाँ के जो अभी तक मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के नेता संदीप सिंह के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनको वो लगातार अपने घर पर ज़बरदस्ती बुलाया करते थे और उसके बाद उनके साथ हैरेसमेंट किया करते थे। उन्हीं सब को लेकर यहाँ पर हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो जंतर मंतर पर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहाँ से हैं? हम हरियाणा से, जिला भिवानी। क्या क्या हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आप संदीप सिंह के लिए आए हैं? 29 दिसंबर को शिक्षा कोच बेटी ने के साथ जो खेल मंत्री ने अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए हमारी बेटी ने गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, मैं सभी का गवाह लगाई है। लेकिन हमारा जो हरियाणा का मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसने कहा हम इसको बर्खास्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम भी इसको कहना चाहते हैं, जब तक हमारी शिक्षा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा और संदीप सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, हम कदम नहीं उठाएंगे। आज हम 30,000 हस्ताक्षर करवा कर राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, क्योंकि उस बेटी को न्याय मिले। इस तरह के मंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारी हरियाणा की बेटियों के, जिन्हें देश में नाम रोशन किया, उनको कलंक लगाते हैं। ऐसे मंत्रियों को हम यहाँ बिल्कुल देखना नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? संतोष देशवाल, जनवादी मिला समिति। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रही हैं लगातार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा बृजभूषण सिंह के ऊपर भी तमाम आरोप लगे और फिर अब लगातार फिर बीजेपी के नेता, कल हमने देखा कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी में से एक उनके साथ बीजेपी के नेता मंच शेयर करते हैं, उसके बाद भी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो कोई एक्शन नहीं लेती है, उसको आप कैसे देख रही हैं? ये जो सरकार है बीजेपी की, चाहे वो हरियाणा राज्य के अंदर है या केंद्र के अंदर है, वो बिल्कुल महिला और गरीब के खिलाफ है। उनके अंदर जो ये भावना है कि महिलाएं जो है आगे कैसे बढ़ रही है, इनको तो घरों के अंदर ही होना चाहिए, मनुवादी जो सोच है इनकी, उस सोच के आधार पर ये महिलाओं को वापस भेजना चाहते हैं और किसी भी तरह से ये बोल ना सके, इनको दबाओ और इनके साथ जितना अन्याय करोगे ये अन्याय सहन करती जाएंगी, ऐसी इनकी सोच है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो डरने वाली नहीं है, पूरे देश का और प्रांत का नाम रोशन कर रही हैं और उन्हीं के साथ ये सरकार जो है अन्याय करेगी तो वो सहन नहीं होगा। और हम चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जो मंत्री जी हैं उन्होंने तो मैंने सुना है कि अपना पोर्टफोलियो जो है मुख्यमंत्री को दे दिया जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगे, तो इसको आप कैसे देखती हैं? लेकिन मंत्री की ओर से कोई दरखास्त नहीं दी गई और हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की जो DGP हैं उसने जो SIT गठित कर दी और उसकी भी अभी जाँच चल रही है। RTI मांगा है हमारे वकील ने कि वो कैसे जो है SIT गठित कर सकता है बिना किसी दरखास्त दिए हुए। तो मंत्री जो हरियाणा का CM है वो बिल्कुल ही मंत्री के पक्ष में खड़ा है और हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि ऐसा क्या कर दिया इस मंत्री ने हरियाणा के CM के लिए जो ये इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा और बार बार यही कह रहा है कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई बीच में ऐसी अड़चन है जिससे CM डरता है हरियाणा का और इस मंत्री से, इसलिए उसको हटा नहीं रहा वो। तो मंत्री जी तो एक प्लेयर भी रह चुके हैं, है ना, भारतीय हॉकी टीम के वो कप्तान रह चुके हैं, तो फिर आपको नहीं लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं, मतलब जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि फंसाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, जिस टाइम पे वो खेला देश के लिए उसका नाम भी हुआ, हमने भी उसका सम्मान किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के संपर्क में ये आया है
नेता बना है और ये मंत्री बना है, उसके बाद से ये रंग रलियां मनानी शुरू करी है इसने। और सुंदर सुंदर लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो खास कर खेलों के अंदर आती हैं, उनको हड़प के उनको मतलब किसी तरह से अपने शिकंजे के अंदर रखना चाहता है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और ये कोई झूठी बात नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये जो लड़की अपने ऊपर जिप आप बीती बता रही है सबके सामने, कभी वो झूठ नहीं बोलेगी। मैंने उस लड़की को पढ़ाया है, मैंने उसको देखा है नज़दीकी से। छठी क्लास के अंदर वो मेरे स्कूल में आई थी। बहुत ही होनहार और बहुत ही शरीफ लड़की है, केवल अपने काम से काम रखती है और खेलों में अपना नाम कमाना है, ये शुरू से उसने ये मन बनाया था। हमारे साथ जगमती जी जुड़ गई हैं। जगमती जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमने आपको देखा जब बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी हमने देखा आपको, अब आपको हरियाणा के मंत्री के खिलाफ जब ये बातें सुनने मिली हैं तब आप भी यहाँ प्रदर्शन करने आई है, लेकिन सरकार जो है एक्शन लेती नज़र नहीं आती है, प्रदर्शन ऐसे ही रह जाता है, कैसे? हाँ देखिए, आपने सही कहा कि तमाम हरियाणा की लड़कियां खेलों के अंदर आए दिन मेडल जीत रही है। कल भी बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, लेकिन उसी समय पे यहाँ के जो खेल मंत्री हैं या फेडरेशंस के अध्यक्ष हैं वो यौन हिंसा में संलिप्त पाए जा रहे हैं और लड़कियां बहादुरी से उनके खिलाफ आवाज़ उठाने को सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो जो है वो लड़कियों को न्याय दिलवाने की बजाय वो मंत्रियों का बचाव कर रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ आए हैं, क्योंकि हम गाँव में देखते हैं कि जब से ये घटनाएँ सामने आई हैं तो जो भी खेलने वाली लड़कियां हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि अगर इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो लड़कियां हमारी खुल के सम्मान के साथ खेल पाएंगी, वरना उनकी सुरक्षा के लिए भारी खतरा है खेलों के अंदर। तो ये जो हरियाणा की लड़कियां आए दिन मेडल जीत के ला रही हैं, उनको खेलों में एक सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हरियाणा में वो आवाज़ सुनी नहीं गई है और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी है, तो अब राष्ट्रपति महोदया, क्योंकि वो महिला हैं, तो 30,000 से ऊपर नागरिकों के हस्ताक्षर जो है हम लेकर आज उनको सौंपने आए हैं यहाँ पे, इसके लिए इकट्ठे। आपको टाइम मिला है राष्ट्रपति? 2 महीने पहले हमने उनको अपील करी थी समय की, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। फिर हमने खुद तय किया कि अभी 90 दिन जो है FIR दर्ज हुए हरियाणा के मंत्री के खिलाफ, 90 दिन हो गए, तो चार्जशीट 29 मार्च को फाइल होनी है। तो आज 27 मार्च को हमने खुद ही तय किया कि जो भी जरिया हो हम अपनी भावना इन हस्ताक्षरों के माध्यम से उनके पास पहुँचाएँ, और ये अब आगे उनकी जिम्मेवारी है कि वो महिला होने के नाते खिलाड़ी लड़कियों के कॉज को जो है कितना गंभीरता से लेती है। आपसे मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है सरकार से? कल हमने एक फ़ोटो देखी जिसमें जो बिल्किस बानो के जो 11 आरोपियों थे, है ना, उनमें से एक आरोपी सरकार के MP MLA के साथ मंच शेयर करता नज़र आता है, तो आपको कोई उम्मीद रह गई है सरकार से? देखिए, ये जो BJP की सरकार है, इसका यौन हिंसा के खिलाफ अपराधियों को बचाने का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के अंदर ये प्रावधान है कि चाहे कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, उनको इस देश के कानून के हिसाब से जो है इस देश को चलाना पड़ेगा। इस कानून के सिर पे अगर वो पैर रख के चलना चाहें तो उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई हरियाणा के अंदर खेल मंत्री के खिलाफ कि सरकार को उससे खेल का महकमा जो है वो वापस लेना पड़ा है। BJP जो पार्टी है उन्होंने अपनी राज्य की मीटिंग में उसको बैठने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो उसने FIR दर्ज होते ही 2 दिन में ये कह दिया कि किसी लड़की ने अनर्गल आरोप लगाए हैं तो उनके ऊपर मैं मंत्री को थोड़ी हटा दूंगा। तो हमें ये लगता है कि जो बिना जांच के मुख्यमंत्री को ऐसे सपने कहाँ से आ रहे हैं कि ये अनर्गल है ये आरोप, जबकि चंडीगढ़ पुलिस जो अपनी एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, चंडीगढ़ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए करते ही 509 की धारा जो है और भी संगीन धारा उसके अंदर ऐड करी है। और अभी भी हमारी मांग है कि अटेम्प्ट टू रेप की धारा उसमें लगाई नहीं गई है, वो लगाई जानी चाहिए।
तो ये मुख्यमंत्री जो इतनी निर्लज्जता से इतने दुराचारियों का बचाव करें, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनको बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देंगे। और जिस तरह से उन्होंने हमारा खाना और सोना हराम किया हुआ है कि देश की लड़कियां जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर रही हैं उसी को तबाह करने पे तुले हुए हैं, तो ये लोकतंत्र है, इसके अंदर हम तमाम तरीके से तमाम स्तर पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अभी तो उनसे खेल महकमा वापस लिया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनसे उनको हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और मंत्री पद से भी हटाया जाए। हम कोई उनको फांसी तोड़ने की मांग नहीं कर रहे, हम निष्पक्ष जांच के लिए उनसे एक महकमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर इतनी भी हमारी वो बातचीत नहीं सुनना चाहेंगे तो आज भी हम उनके रास्ते रोक रहे हैं और आने वाले समय में गांव-गांव के अंदर उनका जो गांव में जाना जो है वो सोचते होंगे 2024 सामने आ रहा है, जल से जुलूस करेंगे, उनका जाना हराम कर देंगे। हर जगह खिलाड़ी लड़कियों के माँ बाप बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो अभी आप हस्ताक्षर करवा के 30,000 लोगों के लेकर आई हैं वो राष्ट्रपति महोदय तक कैसे पहुंचा पाती हैं। आज वो जो भी कॉमन लोगों के लिए जो खिड़की बनाई हुई है हम वहीं पे ये 30,000 अपने हस्ताक्षर जो है वो लेके जाएंगे और वहाँ सौंप के आएंगे और बाकायदा स्लिप लेके आएंगे और उसको फॉलो भी करेंगे कि क्या एक्शन हुआ। हरियाणा में हम देख रहे हैं लगातार एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो मंत्री हैं हरियाणा के, जो खेल मंत्री भी हैं और उनके पास और भी पोर्टफोलियो थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से एक मामला सामने आया है उसको लेकर हरियाणा की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। अब ये देखना होगा कि वो जो एक राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाह रही हैं, वो जो मंत्री की शिकायत को लेकर, वो उनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।